जरा सोचिए, क्या होता अगर हम मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर पाते? ऐसा होते आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन आज हम खतरनाक साइंस की इस वीडियो में आपको इतिहास के उस वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक मरे हुए जीव को फिर से जिंदा करने की कोशिश की और इसमें सफल भी हुआ। साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। कुदरत के नियमों को चुनौती देते हुए कैलिफोर्निया के बर्कली में एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉर्टिस ने इस असंभव चमत्कार को संभव कर दिखाया। मनुष्य को पुनर्जीवित करने के लिए रॉबर्ट ई कॉर्टिस कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक इजाद की जिससे मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि अगर एक मृत व्यक्ति के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इसमें मुख्य था टीटर बोर्ड, जो एक आम सीसॉ बोर्ड जैसा था। इस प्रयोग में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लिटाकर जोर जोर से घुमाते थे, जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह वापस से शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रक्रिया भी अपनाई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, जिससे कि मरे हुए व्यक्ति की नसों में फिर से खून का प्रवाह होने लगे। वह ऐसा करने से पहले नसों में एड्रेनलिन नाम का केमिकल इंजेक्ट करता था, जिससे कि खून पतला हो जाए और नसों में फिर से प्रवाह कर सके। कॉर्निश ने इस लॉजिक के साथ कई मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश की। उसने यह प्रयोग हार्ट अटैक, पानी में डूबने और बिजली से जलकर मरने वालों पर किए, पर सफलता हाथ नहीं लगी। कॉर्निश को जितने भी मरे हुए व्यक्ति अपने परीक्षण के लिए मिले, उन्हें मरे काफी देर हो चुकी थी, तो कॉर्निश इस नतीजे पर पहुंचा कि अब तक उसने जितने भी लोगों पर प्रयोग किए थे वो सारे परीक्षण में शामिल होने के लिए बहुत लेट हो चुके थे। यह प्रयोग अगर किसी व्यक्ति के मरने के कुछ ही समय बाद किया जाए तो कामयाबी हासिल हो सकती है, पर उन दिनों ऐसा इंसान अमेरिका में मिलना काफी मुश्किल था। तब कॉर्निश ने फैसला किया कि वह अपना यह प्रयोग जानवरों पर करेगा। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिसका नाम उसने लेजरस 1, 2, 3, 4 और 5 करके रखा, जिनको उसने खुद नाइट्रोजन गैस में दम घोटकर मारा था। हालांकि कॉर्निश ने कहा कि सभी कुत्तों को क्लिनिकली मौत दी गई थी, यानी उन्हें ऐसे मारा गया था जिससे कि मरने पर सबसे कम दर्द हो। फिर इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया गया। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि यह मिक्सचर आसानी से उनकी नसों में घुल सके। दुर्भाग्य से पहले 3 कुत्ते यानी लेजरस 1, 2 और 3 जिंदा नहीं हो सके। फिर उसने यही प्रयोग चौथे कुत्ते यानी लेजरस 4 पर किया। उसे भी मरने के ठीक बाद टीटर बोर्ड पर लेटाया गया और योजना अनुसार तेजी से झुलाया गया। करीब आधे घंटे तक लगातार कोशिश करने पर लेजरस 4 हिलते हुए और हल्की भौंकने की आवाज के साथ फिर से जिंदा हो उठा, और कुछ दिनों बाद लेजरस 4 अपने पैरों पर खड़ा होने, भौंकने और खाना खाने के लायक हो गया। फिर यही प्रयोग उसने पांचवे कुत्ते यानी लेजरस 5 पर भी किया और बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से ये भी मरकर फिर से जिंदा हो उठा, और इस तरह लेजरस 4 और 5 को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद लेजरस 4 किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो पाता था, वही पांचवा कुत्ता यानी लेजरस 5 केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे इसका पता किसी को नहीं चल पाया। सन 1935 में डॉक्टर कॉर्निश के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में खुद कॉर्निश ने काम किया था, साथ ही इस फिल्म में कॉर्निश द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का भी इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इस फिल्म का काफी विरोध भी हुआ। यह फिल्म आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। कॉर्निश की इस चौंका देने वाली सफलता ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। मीडिया और साइंस जगत ने कॉर्निश के इस कारनामे का स्वागत किया, पर कॉर्निश के दिमाग में इस खोज को आगे ले जाने का जुनून सवार था। कॉर्निश चाहता था कि यह प्रयोग अब किसी इंसान पर किया जाए। अब उसे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो मरने के तुरंत बाद उसके इस प्रयोग में शामिल किया जा सके। इसके लिए उसने अपने प्रयोग में कुछ नई चीजें शामिल की। उसने इसे मानवों पर प्रयोग किए जाने लायक बनाने के लिए इसमें एक आर्टिफिशियल हार्ट और एक लंग यानी कृत्रिम फेफड़ा जोड़ दिया, जो कि वैक्यूम क्लीनर और रेडिएटर के पार्ट से बने थे। सब कुछ तैयार था, इंतजार था तो बस ऐसे व्यक्ति का जो इस प्रयोग का हिस्सा बन सके।
कुछ दिनों बाद थॉमस मैकमोनिगल नाम का एक हत्यारा, जिसे बच्चों की हत्या करने के आरोप में मृत्यु दंड की सजा दी गई थी, वो कॉर्निस के इस प्रयोग का हिस्सा बनने को राजी हो गया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने प्रयोग के लिए थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया कि यदि मैकमोनिगल इस प्रयोग से जिंदा हो गया तो वह इस हत्यारे का क्या करेंगे, क्योंकि वह न तो इसे रिहा कर सकते हैं और न ही उसे फिर से मार सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना डबल जियोपार्डी क्लॉज का उल्लंघन होगा। डबल जियोपार्डी क्लॉज एक प्रावधान है जिसके तहत सरकार किसी मुजरिम को किसी एक अपराध के लिए दो बार मृत्यु दंड नहीं दे सकती, जिसके कारण इस प्रयोग के लिए मना कर दिया गया। इसके बाद रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और रॉबर्ट ने इस प्रयोग को कभी ना करने की कसम खा ली। उसके बाद यह रिसर्च बंद हो गया। जरा सोचिए क्या होता अगर रॉबर्ट ई कॉर्निश किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। प्रयोग के बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने इंसान को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी कई ऐसे देश हैं जहां इस विषय पर खोज चल रही है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। आप इस अजीब से एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने बेल आइकन को ऑन करें।